आज मैं आप लोगों के साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों में इन्हें खाना काफ़ी फायदेमंद होता है। गोंद के लड्डू खाने से हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, कमजोरी दूर करता है, ये कब्ज को दूर करते हैं, जोड़ों के दर्द में राहत दिलाते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो महिलाओं में कमजोरी आती है, इन लड्डुओं को खाने से वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो चलिए फिर ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है, फ्लेम को लो रखा है और एक चम्मच हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। घी को हम पहले पिघलने देंगे। अब मैंने यहाँ पर 10-12 काजू और 10-12 बादाम ले लिए हैं, इन्हें हम भून लेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें हमें भूनना है। इन्हें भूनने में लगभग 20 से 30 सेकेंड का समय लग जाएगा। काजू बादाम अब भून गए हैं, इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इन्हें हम घी से बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप नारियल लिया है कद्दूकस करके, इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब नारियल का बुरादा भून गया है, इसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हमने वापस से सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं आधा कप देसी घी डाल रही हूँ। अगर चम्मच से देखा जाए तो ये 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है। बड़े चम्मच यानी कि ये करछुल है जो कि घर में खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। अब घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें गोंद को भूनना है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद ली है तो आधी गोंद हम एक बार में भूनेंगे। इसे भूनते वक्त ये ध्यान रखें कि फ्लेम को एकदम लो ही रखें। अगर आप फ्लेम को बढ़ा देंगे तो ये पकेगी भी नहीं और जलने लगेगी। गोंद हमारी अच्छे से भून गई है तो इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और गोंद का सेकेंड बैच भी हम कढ़ाई में भून लेंगे। तो सेकेंड बैच भी हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमारी जो कढ़ाई में घी बचा है इसी में हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो घर में हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आटे को हम लो फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे भूनने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। तो ये देखिए आटा भून चुका है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ गया है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर रही हूँ और इसे 5 से 10 सेकंड ऐसे ही चला लूँगी ताकि जो आटा है वो तले में लगे नहीं। आटे को अब साइड में रख देंगे, इसे हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। अब हमारी जो ये गोंद है इसे हमें दरदरा कूट लेना है। इसे कूटने के लिए आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे कूटनी में भी आप कूट सकते हैं, यानी कि इमाम दस्ता में आप इसे कूट सकते हैं। अब हमने जो आटा भून कर रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। ये आटा काफ़ी ठंडा हो गया है, यानी हल्का सा गर्म है। हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे उसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है। इसके साथ ही हमने जो नारियल भून कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इसके साथ ही हमने जो गोंद को कूट कर रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। गोंद को हमने एकदम दरदरा कूटा है। ऐसा करने से जब लड्डू में गोंद मुँह में आती है तो काफ़ी क्रिस्पी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम देसी खांड ली है, ये चीनी का सब्स्टिट्यूट है। चीनी जो होती है वो इतनी हेल्दी नहीं होती यानी हमारी हेल्थ के लिए, तो उसकी जगह हम देसी खांड यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पिसा हुआ गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मिठास इसमें आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो हमारे ये मिक्स सब लड्डुओं के लिए रेडी हो गया है। अब हम इसे लड्डू बांध कर देखेंगे, अगर लड्डू बनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनता है लड्डू तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच घी और मिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिक्स को मैं थोड़ा सा लड्डू बनाकर देख रही हूँ, ये लड्डू नहीं बन रहा है। तो चलिए मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और मिला देती हूँ। अगर आपके लड्डू बनने लगें तो घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना बने तभी घी मिलाएँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच घी ले लिया है, इसे भी हम मिक्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लड्डू को वापस से बांध के देखेंगे कि लड्डू बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए अब जो ये लड्डू है आसानी से बन रहा है और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है बनने के बाद। बाकी के बचे हुए लड्डू भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन लड्डुओं को एक बार खा लेंगे तो बार बार इन्हें बनाकर खाना चाहेंगे।
और इन सर्दियों में इन लड्डुओं को अगर आप खाएंगे तो आपको कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।